देखिए, आज जो हम टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर हम लोग आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताएंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। मैं आज आपको सबसे पहले ही आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बोल देता हूँ, किसी कंडीशन के बिहाफ पर आपको कोई कलर अप्लाई करना है उसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। किसी कंडीशन के बिहाफ पर किसी चीज को हाईलाइट करना क्या कहलाता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाता है। जैसे आप चाहते हैं कि इसके अंदर वो एम्प्लॉय हाईलाइट हो जाएं जो टॉप 10 है या जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, वो लोग क्या आ जाएं? हाईलाइट। तो आपने कोई कंडीशन लगाई ना, तो इसलिए आप बोलना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ वहाँ होता है जहाँ आपको कोई चीज़ किसी कंडीशन के बिहाफ पर आपको प्रेजेंट कराना। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे, सबसे पहले आता है हाईलाइट सेल रूल्स। आप यहाँ जाओगे, सबसे पहली मिलेगी आपको ग्रेटर देन। क्या मिलेगा आपको? ग्रेटर देन। अगर वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन हो। इसने देखो बाय डिफॉल्ट 84,500 पिक कर, ये एवरेज पिक करता है। क्या पिक करता है? ये एवरेज पिक करता है। आप डाल दो कि जिनकी सैलरी 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो, वो क्या हो जाए? कलर हो जाए। तो आपने क्या बोला? वैल्यू इज ग्रेटर देन कितना? 1 लाख रुपीज। कलर येलो हो जाए, लाइट रेड हो जाए, या आपको जो कलर पसंद है वहां जाके कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके आपको जो कलर पसंद है, आप चाहते हो रेड हो जाए बॉर्डर उसका, ठीक है, येलो हो जाए और ओके और गो, ठीक है। तो जैसे ही आपने करा तो जिन जिन की सैलरी 1 लाख रुपए से ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगी। क्लियर? जब भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो पहले एरिया को सिलेक्ट कर लें और फिर कंडीशन लगाएं। अगर जिस दिन इसकी सैलरी 1 लाख रुपए से नीचे आएगी वो ऑटोमेटिक नॉर्मल कलर में आ जाएगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सबसे प्लस पॉइंट ये है, कोई भी अगर छोटा जिनकी सैलरी 1,20,000 है, जैसी 1,20,000 होगी वो कलर हो जाए। एक दो रुपए की बात कर रहे हो, 1,01,000, ठीक है, आप एक जीरो लगाओ तब भी हो जाएगा, आप 9,999.99 लगा लो तब भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी शो कर रहा है 1,00,000 लेकिन इसकी रियल वैल्यू कितनी है? 99,999, ठीक है, इसलिए वो कलर नहीं हुआ, ठीक है। आप इसको पूरा 1,00,000 कर दो तो ये कलर हो जाएगा। तो समझ में आ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ क्या होता है? किसी कंडीशन के बिहाफ पर किसी चीज़ को हाईलाइट करना, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ग्रेटर देन के बाद क्या आता है? लेस देन। अगर वैल्यू जिनकी 1 लाख रुपए से नीचे वो क्या हो जाए? हाईलाइट हो जाए। और कलर जो आपको पसंद हो, आप यहाँ से फॉन्ट कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉन्ट कलर रेड हो जाए, फिल कलर ब्लैक हो जाए, बैकग्राउंड कलर बॉर्डर हमारा वाइट हो जाए। और अप्लाई कर दो, लेकिन जिनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा होगी उन पर कोई भी फर्क नहीं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं ऐसे। इतना समझ आ गया आपको? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बिटवीन। क्या आता है? बिटवीन। बिटवीन जानते हैं, दो कंडीशन ग्रेटर देन लेस देन। मुझे 2500 से लेकर कहाँ तक चाहिए? 4500। तो इस एरिया को सिलेक्ट करा, मैंने बोला मुझे वो सेल हाईलाइट कर दो जिनकी वैल्यू 500 से लेकर 800 है और कलर हमारा क्या हो जाए? रेड हो जाए, ठीक है। जब दो कंडीशन हो तो क्या लगाते हैं आप लोग? बिटवीन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इक्वल टू। क्या आता है? इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। मैंने बोला राम ये, ये दोनों आपस में, अगर दोनों को इक्वल करूं तो दोनों क्या आपस में बराबर है। क्या है? इक्वल है, मतलब हमें वो वैल्यू चाहिए जो आपस में क्या हो? दोनों
बराबर। तो हमने यहाँ सेलेक्ट करा और क्या चले गए हम, इक्वल टू, क्या कर दिया हमने यहाँ पर, इक्वल टू, और हमने यहाँ बोल दिया बॉम्बे। तो जहाँ जहाँ बॉम्बे होंगे सब में क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, क्लियर। तो आप ये कर सकते हो, डेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, डेट आ जाए 20/6/2019, क्लियर। जहाँ जहाँ भी 20/6/2019 आएगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है टैक्स डेट कंटेंट, क्या होता है आप देखना, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, तीन नाम है लेकिन इनके अंदर एक वर्ड कॉमन है, वो क्या वर्ड कॉमन है, दिल्ली। हम उन सभी को क्या करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं। मैंने यहां नाम लिखा दिल्ली बाजार, दिल्ली न्यू दिल्ली, दिल्ली रोड, दिल्ली एनसीआर, ठीक है। लेकिन अगर आपने इक्वल टू अप्लाई करा तो वो किन किन को कलर करेगा, जो लोग ओनली दिल्ली हैं, क्या है हमारे, जो लोग ओनली दिल्ली, उन्हें क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ सब हो, दिल्ली भी हो, दिल्ली बाजार भी हो, न्यू दिल्ली भी हो, दिल्ली एनसीआर भी हो, तो कहाँ जाओगे आप और यहाँ क्या लिख दोगे, दिल्ली। तो दिल्ली स्टार्टिंग में हो, एंड में हो या फिर मिडल में हो, सब में क्या कर देगा, कलर कर देगा, क्या कर देगा, कलर, ठीक है। इसके बाद जो नीचे आता है आर डेट ऑकरिंग, ऑकरिंग क्या होता है कि अगर आपको कलर करने, जैसे आपने कहा यहाँ डेट पर गए आप चाहते कलर हो जाए, कौन से कलर हो जाए सर, आप यहाँ जाओ, आपने यहाँ बोला कि यस्टरडे कलर हो जाए, तो यस्टरडे जो भी होगा कलर हो जाएगा। आपने कहा टुडे कलर हो जाए, कौन सा कलर हो, ये कलर हो जाए, ठीक है। आपने कहा टुमोरो हो जाए, तो जो भी टुमोरो होगा वो कलर हो जाएगा। आपने कहा नहीं इन लास्ट, इन द लास्ट सेवन डेज, तो लास्ट सेवन डेज में ये भी आएगा। उसके बाद दिस वीक, दिस वीक में ये भी आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक तो कोई है नहीं हमारे पास, ठीक है, आप नेक्स्ट वीक कर दो। मैंने यहाँ डेट लिखी 21/6/2019, लेकिन कलर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंडीशन इसी के ऊपर अप्लाई थी क्या। नेक्स्ट वीक कब से स्टार्ट होगा हमारा, 20, ठीक है, 20 नेक्स्ट वीक तो यही हो गया ना, मंडे से स्टार्ट होगा, क्योंकि एक्सेल फॉरेन कंट्री का है तो वहाँ मंडे का, संडे को ऑफ होता है, मंडे से वर्किंग स्टार्ट होती है, तो उसके हिसाब से रेडी है, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो आपको कोई भी कंडीशन लगानी हो तो आप लगा सकते हैं, लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। जैसे मुझे आप लोगों का, मैं ऐसा टास्क बनाना चाहता हूँ कि आप लोगों का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, मैं चाहता हूँ कि आज जिस जिसका डेट मैच हो रही है सिस्टम डेट से, वो क्या हो जाए, कलर हो जाए, तो आप लगा सकते हैं। बहुत सी कंपनियों के अंदर यही चलता है, वो लोग क्या करते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, एक नाम लिखते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और उसमें क्या लगा देते हैं, इक्वल टू टुडे। तो जो जो कलर, जो लेटेस्ट डेट हो गया, जो डेट होगी सिस्टम के बराबर, वो क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है डुप्लीकेट, क्या आता है डुप्लीकेट, मुझे इसमें बताओ कौन से नाम मेरे डुप्लीकेट हैं, तो आप यहाँ जाके शो कर सकते हो, जो जो नाम डुप्लीकेट होंगे वो आपके शो हो जाएंगे, ये डुप्लीकेट है, ये क्या है, यूनिक है, ठीक है, यहाँ लगा दो, ठीक है, जो डुप्लीकेट होंगे वो क्या होंगे, सभी हाईलाइट होंगे, समझ आ गया। तो इसका मेन पर्पस क्या है, खाली कलर, कलर करने का काम है, क्या करने का, कलर। कई बार रिपोर्टें बनाते हैं तो उसके अंदर हमें कलर देने होते हैं, क्या देने होते हैं ना, कलर, कि सर ये वैल्यू सारी 60 से नीचे है, अगर तुम कुछ और लगाओ सामने वाला इरिटेट हो जाता है, तो हम लोग क्या लगा देते हैं, कलर अप्लाई कर देते हैं, क्या अप्लाई कर देते हैं, कलर, जिससे वो सामने पता चल सकता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है टॉप बॉटम रूल्स। अब मुझे क्या करने हैं, टॉप बॉटम मुझे बताओ इनमें से 10 ऐसे लोग जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। मुझे कितने लोग चाहिए, 10 लोग। तो आप यहाँ जाओ और टॉप 10 आइटम कर दो। जैसे ही आप टॉप 10 को सिलेक्ट करोगे तो जो भी टॉप 10 होंगे वो ऑटोमेटिक आपको कलर होके शो हो जाएंगे। ये टॉप 10 है, मान लो इसकी ये बड़ा हो जाता है, ये सबसे बड़ा हो गया इस समय, 1.49 से बड़ा हो गया 1.50 हो जाता है। तो देखो जो लास्ट वाला होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको बड़ा कर दो, इसको भी क्या कर दो बड़ा। देखो नीचे वाला हट रहा है, हट रहा है ऊपर वाला, क्योंकि अब इनके अंदर टॉप 10 ही आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, बॉटम 10 चाहिए। क्या चाहिए हमें, बॉटम 10। यहां जाना और क्या कर देना, टॉप। तो यहां क्या मिलेगा आपको, बॉटम। आपको जो भी बॉटम, ये नहीं 10, आप 3 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। तो जो उसके बाद जो आपको कलर पसंद है वो कलर अप्लाई कर लो। ठीक है, तो दो चीजें आपको समझ आ गई होंगी, टॉप और बॉटम। इसके बाद एक आता है टॉप 10%। क्या आता है आपका, टॉप 10%। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, परसेंटेज क्या करता है, सबसे पहले आपका जो डाटा है वो चेक करता है। क्या करता है, डाटा चेक करता है, आपने कितनी शीट सिलेक्ट करें, कितने डाटा सिलेक्ट करा हुआ है, शो कितना है ये। अगर मैं शो की 10% बोलूँ तो कितना होगा, शो का 10% कितना होगा, 10 होगा ना, कितना होगा, 10। मैंने बोला मेरे पास 1250 एम्प्लॉई हैं, इसका 10% कितना होगा, 1, 2, 5। क्लियर। मैंने बोला मेरे पास एम्प्लॉय 7000 हैं, इसका 3% कितना होगा, 210। ठीक है, कितना होगा आपका, 210। ठीक है, तो वो क्या करता है, टॉप 10%, वो पहले काउंट करता है कि आपने कितना एरिया सिलेक्ट करा है, और जितने परसेंटेज बोलते हैं उतना परसेंट कर देता है। आप यहाँ गए, आपने बोला मेरे पास डाटा कितना सिलेक्ट है, 100, अभी कितना आ रहा है, 10। तो ये कितने लोगों को कलर करेगा, 10 लोगों को कलर करेगा, कितने को कलर करेगा, 10। आप इसे बोल दो कलर कर दो 5 लोग को, तो कितने को कलर करेगा, खाली 5%। 5% कितना, अगर डाटा 50,000 होता तो 50,000 का 5%, ठीक है, 2500 लोगों को कलर करता। ये 5 को नहीं कर रहा, उसकी परसेंटेज निकाल रहा है। मान लो वैल्यू है 1,30,000 और मैं कहता हूँ कि मुझे खाली 12% लोगों को चुनना है, कितने, 12, तो इसका कितना आ जाएगा, 15,600। तो कितने लोगों को कलर कर दे, 15,600। तो ये काम करता है किसका, परसेंटेज का काम करता है, किसका काम करता है, ये परसेंटेज का। तो आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। तो 1, 2, 3 और 4। क्यों आया 4, क्योंकि 100 डाटा था और 4% कितना होता है 100 का, 4 ही होता है। चले नेक्स्ट, हमारे पास क्या आता है, टॉप 10 हो गया आइटम, टॉप 10% हो गया, टॉप 10 आ गया, और ये हमारा बॉटम 10, ये भी, ये दोनों कवर हो गए थे, ये परसेंटेज वाले। इसके बाद होता है अबव एवरेज। कई बार क्या होता है, मैं आपसे कहता हूँ बताओ ओवर टाइम में कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो आप कैसे बताओगे मुझे, मैं कहता हूँ बताओ कौन अच्छा है कौन बुरा है, आप कहोगे मनोज तो मेरा दोस्त है, ये अच्छा है, साजिद बेकार है, तो आप ऐसे बात करोगे नहीं। तो क्या करेंगे, हम एक बेंचमार्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हम बेंचमार्क। हम क्या करते हैं, इन सभी डाटा का टोटल करते हैं और एवरेज पता करते हैं, क्या एवरेज है, क्या पता करते हैं, एवरेज पता करते हैं। हमने इस डाटा को सिलेक्ट करा तो इसने बताया 100 डाटा है, सम टोटल 1,84,080 रुपये, और इसकी एवरेज कितनी है, 1,841। कितनी एवरेज है इसकी, 1,841। जो 1,841 से अबव हैं वो अच्छे हैं, और जो उनसे कम है वो बिलो हैं। तो वो क्या करता है, आपकी एवरेज उसको एवरेज पे कवर कर देता है। तो जो अबव होंगे वो सभी हाइलाइटेड हो जाएंगे, और जो अबव नहीं होंगे वो ऐसे शो करेंगे। ठीक है, तो कई बार जब आपको कोई ऐसा टास्क दे जिसमें आपको बेंचमार्क ना दे,
तो आप क्या करना, एवरेज लेके चलना। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ आ गया हाईलाइट से रूल, समझ आ गया आपको टॉप बॉटम रूल, समझ आ गया? ठीक है, इसके बाद आता है डाटा बास। कोई यूज़ नहीं है बट फिर भी क्लास है तो बताना है। ये क्या करता है, एक कलर बनाता है। हमने इस एरिया को सिलेक्ट करा और हमने कहा कलर, कलर में ये क्या करता है, एक बार बनाता है। जो वैल्यू सबसे छोटी होगी उसका बार सबसे छोटा होगा, जो वैल्यू बड़ी होती जाएगी उसका बार सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जैसे ये एरिया को सिलेक्ट करा आपने, बार को सिलेक्ट करा, ये बार बना देगा जो सबसे कम। आप इसे 1 कर दो और देखो उसे 10 कर दो, जो दिख रहा है आपको। ठीक है, बार बनाता है। ठीक है, इसके बाद एक आता है हमारे पास कलर। कलर भी वही क्या करता है, कलर। बस कलर के अंदर डिफरेंस क्या है, ये कलर चलता है, जो सबसे कम होगी उसको रेड 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 और आखिरी में ग्रीन। ठीक है, ये अगर आप कोई कलर चाहते हो दूसरा कलर ले सकते हो। ठीक है, रेड 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 ब्लू, तो बस ये कलर बनाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आइकन। क्या आता है हमारा आइकन, क्या आता है हमारा आइकन। आइकन क्या होते हैं, हमने पीछे आपको याद होगा कस्टम फॉर्मेटिंग में दो आइकन बनाए थे, अपग्रेड और लो वाला बनाया था ना आइकन। अगर आप उनका यूज़ करना चाहो तो वो यहाँ भी कर सकते हैं। आप इनका सिलेक्ट करो, हम चाहते हैं कि अगर जो वैल्यू कितने से बड़ी हो, 60 से बड़ी हो तो ये आइकन, ठीक है 40 से बड़ी हो तो ये आइकन, और 30 से नीचे हो तो ये आइकन। ठीक है, आपको ये डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, आइकन सेट पे आना है और जो आपको आइकन चाहिए वो आइकन सेलेक्ट करना है। वो क्या करेगा, उसके बाद पर यहाँ कंडीशन आपको, ठीक है यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आइकन आ गए, ये वैल्यू 60 से बड़ी हुई, सॉरी 78 है, मैचिंग अभी नहीं करेगा। मैचिंग इसलिए नहीं कर रहा सर क्योंकि इसके अंदर ये जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेट है ना वो अप्लाई हो रही है। क्या अप्लाई हो रही है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो रही है। हम कल की क्लास में डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना सीखेंगे। मतलब आज आपको याद रखना है कि अगर आप यहाँ आइकन सेट को अप्लाई करते हो तो जो वैल्यू वो क्या करता है, इन सभी को 100 में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले जो वैल्यू पिक करता है वो 60% पिक करता है, 67% जो अबव होगी वो कलर। उसके बाद वो 40% को पिक करता है। इसका रूल अगर कहो तो दिखा देता हूँ, यहाँ जाना, ठीक है न्यू रूल पे जाना, ये जो आपने कंडीशन अप्लाई करी उसने बोला अगर वैल्यू ग्रेटर देन है कितनी 61 तो किस आइकन को शो करेगा, इसको। अगर वैल्यू ग्रेटर देन है 33 तो ये आइकन शो करेगा, और वैल्यू लेस देन है तो ये आइकन शो करेगा। कल हम इसे चेंज करना भी सीखेंगे। अगर आप दो कलर से ज़्यादा कोई कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप 5 कलर यूज़ कर सकते हैं। आप इसे 100 कर दो, सब चल रहा है। इसकी एक अपनी कंडीशन है, ठीक है इसे सिलेक्ट करो, इनके ऊपर क्या कंडीशन है आ जाके देख सकते हो। ठीक है, 80% 60% 40% और 20%। ठीक है, तो ये आइकन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो हमने आज की जो क्लास थी उसमें खाली हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इतनी चीज़ ही सीखी है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मेन पर्पस होता है किसी कंडीशन के बिहाब से कलर करना, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और टॉपिक से, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ पता है। ग्रेटर देन का मतलब आप जानते हो बड़ा होता है, लेस देन का मतलब आप जानते हो छोटा होता है, बिटवीन का मीनिंग आप जानते हो, इक्वल टू जानते हो, डुप्लीकेट आप जानते हो, टॉप बॉटम जानते हो, तो कोई इसमें अलग नहीं था। हाँ, बस कलर हो रहे थे उनकी कंडीशन के बिहाब से। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मेन पर्पस होता है किसी कंडीशन के बिहाब से किसी रिजल्ट को डिस्प्ले कराना, क्या कहलाती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आगे चल के मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए आपको ऐसे रिपोर्टें बनाना सिखाऊंगा कि आपकी जो रिपोर्ट होंगी डायनेमिक। जैसे आपने ईयर चेंज करा 18-19 करा या ये चेंज करा तो उसके कलर भी अपने आप चेंज हो जाएंगे। एक ऐसी अटेंडेंस शीट बना के दिखाऊंगा जिसका आंसर उसके संडे मंडे से चेंज हो जाएगा। तो वो सब किससे होगा, कलर के भी आपसे। किससे होगा वो, आपका कलर के भी आपसे।
और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट भी है।